नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। गणेशों के अधिपति श्री गणेश जी की प्रथम पूज्य है। सर्वप्रथम उन्हीं ही की पूजा की जाती है। किसी भी कर्म कांड में श्री गणेश जी की पूजा आराधना सबसे पहले की जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। श्री गणेश जी की लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल उनका उद्देश्य है, परंतु जहाँ भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश अग्रणी रहते हैं। श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, इसलिए उनकी कृपा से संपदा और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता। श्री गणेश जी को दूर और मोदक अत्यंत प्रिय है। उत्यातिथि के अनुसार 29 सितंबर यानी कि आज से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने का शुभ समय 29 सितंबर को सुबह 10:49 से लेकर दोपहर के 1:16 तक रहेगा। मुंबई के लालबाग के राजा की झलक देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है, लेकिन उनके अलावा भी एक गणपति ऐसे हैं जिनकी पूरे राज्य में इस बार चर्चा हो रही है। बता दें कि मुंबई सारस्वत ब्राह्मण मंडल ने मुंबई के सबसे अमीर गणपति की स्थापना की है। 15 फीट की गणपति की मूर्ति 66 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण और 295 किलोग्राम वजन के चांदी के आभूषणों से सजाया गया है। जीएसबी सेवा मंडल के महागणपति का 360.40 करोड़ रुपए का बीमा भी किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के हाई डेसिटेंटी कैमरे लगाए गए हैं। जीएसबी गणेश मंडल मुंबई के किंग सर्कल क्षेत्र में स्थित है और आम लोग और मशहूर हस्तियां यहां आते हैं। जीएसबी सेवा मंडल के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का ये 69 वर्ष है। यहाँ हर दिन 50,000 भक्त खाना खाएंगे और 2,00,000 से ज्यादा भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए आएगी। जीएसबी सेवा मंडल के चेयरमैन विजय कामत ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे गणेश मंडल का 360.40 करोड़ रुपए का बीमा किया गया है। 360 करोड़ रुपए में 48.47 करोड़ रुपए एक स्वर्व जोखिम बीमा पॉलिसी है, जो सोने और चांदी के लाखों और आभूषणों के लिए विभिन्न प्रकार के जोखिमों को कवर करती है। 2 करोड़ रुपए मानक आग और भूकंप जोखिम सहित विशेष जोखिम नीति है। 30 करोड़ रुपए तक सार्वजनिक देवता कवर है, जो पंडाल और भक्तों को सुरक्षित करता है। 298.50 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा स्वयं सेवक और कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर है। बता दें कि इस मंडल ने राम मंदिर द्वारा निर्माण में 48 ग्राम सोना और 167 किलो चांदी मंदिर द्वार के लिए दान किया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।